और आज से गोवा में एससीओ यानी कि शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, जिसमें चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आने की है। 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत आ रहा है, वो भी ठीक ऐसे वक्त में जब रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हों। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक ये साफ साफ कह दिया कि जब तक सरहद पार से दहशतगर्दी बंद नहीं होगी, पाक के साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान वही पुराना कश्मीर राग अलाप रहा है कि कश्मीर में शांति के बिना दक्षिण एशिया में शांति मुमकिन नहीं है। अब देखना है कि गोवा में बिलावल का क्या नया गुल खिलाते हैं। सी बीच के लिए मशहूर गोवा विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। एससीओ के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन के लिए मेहमान पहुंच रहे हैं। इन्हीं मेहमानों में से एक हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी। वो भी आज इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं। बिलावल हिंदुस्तान तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान से रिटर्न में कोई गिफ्ट नहीं मिलने वाला, क्योंकि पीएम मोदी का आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस का मैसेज बिल्कुल साफ है। जब तक पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद खत्म करने की गारंटी नहीं देता, तब तक भारत पाकिस्तान से कोई बात नहीं करेगा। शायद यही वजह है कि गोवा की बैठक में रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से तो एस जयशंकर मिलेंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो को मिलने का टाइम नहीं दिया है। तमाम मुद्दे होंगे जिन पर इस बैठक में चर्चा होगी, चाहे वो कनेक्टिविटी की बात हो, सिक्योरिटी ब्लॉक की बात हो, जहां तक बात है एससीओ ये जो कंट्रीज हैं, क्योंकि 42% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो एक तरीके से इस एससीओ कंट्रीज में आती है। इतिहास गवाह है, भारत ने जब जब पड़ोसी पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, पाकिस्तान ने उसके बदले में पीठ में छुरा ही घोंपा है। फिर वो चाहे 1999 में वाजपेयी की लाहौर बस यात्रा हो या फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा समिट, हर बार पाकिस्तान का आतंकी चरित्र ही नजर आया। आज भी 1993 मुंबई धमाके का गुनहगार दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की पनाह में है, और ये तो सारी दुनिया जानती है कि 26/11 के मुंबई के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर सिर्फ एक्शन का नाटक ही हुआ है। बेहद अहम एससीओ की ये मीटिंग है। इससे पहले एससीओ का डिफेंस मिनिस्टर्स का मीटिंग भी हुआ, जहां पर बड़े कड़े शब्दों में भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने टेररिज्म और तमाम चीजों की बात की। और ये एक और मंच होगा जहां पर इन्हीं तमाम चीजों पर एक बार चर्चा होगी, और क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसमें शिरकत करेंगे तो देखना होगा कि क्या इस बैठक से निकलकर आता है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि भारत पाकिस्तान की तरफ जितनी भी टेरर एक्टिविटी है उसको लेकर के पाकिस्तान की तरफ हम हमेशा उंगलियां उठाते हैं और पाकिस्तान उसको नकारता रहता है। लेकिन ये एक ऐसा मौका होगा जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री खुद वहां पर मौजूद होंगे। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को भी अब ये बात समझ में आ गई है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से दहशतगर्दी बंद नहीं करेगा, तब तक भारत के सामने उसकी दाल गलने वाली नहीं है। ऐसे में बिलावल किस एजेंडे के साथ भारत आ रहे हैं, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने जब से विदेश मंत्रालय संभाला है, हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का ही राग छिड़ा है। गोवा में बिलावल के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस बैठक की है, वो है चीनी विदेश मंत्री किन गेंग के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की 1-to-1 बैठक, क्योंकि चीन बार बार कमांडर लेवल की बातचीत में गलवान, डोकलाम और पेंगोंग में अपनी हद में रहने की बात तो करता है, लेकिन हर बार पलट जाता है। आंकड़ों के मुताबिक चीन हर साल 341 बार भारत में घुसपैठ की साजिश करता है। ऐसी उम्मीद है कि जयशंकर किन गैंग से इस मसले पर दो टूक बात करेंगे। ये बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी होगी कि लगभग 12 साल के बाद कोई पाकिस्तानी विदेश मंत्री भारत की धरती पर आएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पाकिस्तान के मौजूदा विदेश मंत्री हैं, वो इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए भारत कल देर शाम पहुंचेंगे। परसों यानी 5 मई को ये बैठक यहां पर होगी, और इसके अलावा तमाम जो एससीओ के मुल्क हैं उनके विदेश मंत्री इस बैठक में शिरकत करेंगे। इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव भी पहुंच रहे हैं। समरकंद एससीओ समिट में पुतिन से पीएम मोदी ने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं, जिसकी दुनिया भर में तारीफ हुई थी, लेकिन युद्ध अभी जारी है और इसकी तबाही युद्ध की एक बड़ी आबादी झेल रही है। गोवा की बैठक में भारत एक बार फिर
रूस के सामने मोदी के संदेश को दोहराने की कोशिश करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।